हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी मॉम। तो अभी मैं उठी हूँ, अभी सो के हम सब उठे हैं और सीधे मैं बालकनी में आ गई। इस टाइम पे मेरे को ये व्यू देखना बहुत अच्छा लगता है, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये मेरे को लेक का व्यू बहुत पसंद आता है सुबह सुबह देखना। तो बस पिछला पूरा हफ्ता ऐसे ही फेस्टिवल्स में निकल गया और साथ में मेरी बेटी का बर्थडे भी था। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के विशेस मिले मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और अभी लास्ट नाइट ही हम लोग अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट करी और उसके बाद में अभी हम बहुत थके हैं, नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई है, पूरा घर मेरा मैस है इस टाइम पे। तो बस अभी हम उठे हैं और ये है मेरी बेटी और उसके रूम में मैंने ये पोस्टर लगाया अभी सुबह सुबह। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा हमने शिमर एंड शाइन, जो कि ये जीनीज है, ये कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर, ये मेरी बेटी का फेवरेट है, तो इसी थीम पे हमने बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया था मेरी बेटी का। तो वहाँ से जब हम लोग आ रहे थे पार्टी हॉल से, तो मैंने ये पोस्टर्स निकलवा लिए थे और मैंने सोचा था इसके रूम में लगाऊंगी मैं, क्योंकि उसे बहुत पसंद है, ये दोनों उसके फेवरेट जीनीज हैं। तो अभी जब सुबह मैंने लगाया तो वो इतनी खुश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, शी इज़ सो एक्साइटेड, इतनी खुश है और उनके साथ में खेल रही है। मुझे मतलब ऐसे पोस्टर्स लगाना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ दिन तक मैं ऐसे ही लगे रहने दूंगी ये पोस्टर्स को, क्योंकि वो बहुत खुश है, बाद में मैं निकाल दूंगी। अभी प्लीज़ माइंड मत करना, पूरा घर मैस है इस टाइम पे मेरा। और अभी वो अपनी जीनी डॉल के साथ में, ये डॉल उसको बर्थडे वाले दिन ही गिफ्ट करी गई थी, इसकी डॉल है शिमर एंड शी इज़ प्लेइंग विद हर। शी इज़ वेरी हैप्पी। Yeah, they can dance. Where is her mini's teeth? I don't know. No teeth? Oh my god. How will she brush? I don't know. Give her a tummy rub. I did. You got teeth? Yeah. Wow, you can brush. Five. Only 5 teeth? Yeah. I can see a whole bunch of teeth out there. Yeah. You got a lot of teeth. You can bite. You can eat anything. Num, num, num. What's your wish? What's your wish, Shari? अच्छा बताओ, स्लीप कैसे करते हैं? नहीं, आप कैसे स्लीप करते हो? शो मी, आर वी कैसे स्लीप करती है? बहुत खुश है वो इस टाइम पे अभी, बस आप देख सकते हैं। एंड प्लीज़, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है और ऐसा भारी सी आवाज़ हो गई है, मेरी गला बिल्कुल जैसे बैठ जाता है ना। तो बस अब ये फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं तो अब जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मैं घर साफ़ करूँगी। घर भी पूरा ख़राब है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी कुछ नहीं किया, किचन पूरी ऐसी हो रही है, तो बस वही सब करना है। तो फिलहाल अभी मैं उसे दूध पिलाऊंगी, सुबह सुबह उसको वही देना होता है सबसे पहले मेरे को, भले ही वो चाहे या ना चाहे, सुबह से एक गिलास दूध पीना ही है, तो वो करके फिर हम ये अपना करेंगे। तो यहाँ ये टॉयज़ हैं उनके और ये मुझे इनको जो गिफ्ट मिले हैं वो हम अब खोल रहे हैं,
उसको बस सबसे पहले गिफ्ट्स ही टॉयज ही खोलने थे, तो यहाँ उसको ये मिनी मिली है। मिनी मेरी फेवरेट है, मतलब ये बचपन में मुझे बहुत पसंद थी, तो ये देख के तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई इस टाइम पे। और वो अपने पापा को बिल्कुल भी टॉयज़ नहीं खोलने दे रही है। तो आप, मेरे को बचपन में अंकल स्क्रूज बहुत पसंद था। आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन था ज़रूर बताइएगा मुझे लिख के कमेंट में। और यहाँ उससे ये बैग मिला है बहुत ही क्यूट सा, दिस इज़ अ बीवर बैग, बहुत प्यारा लग रहा है ये, और बहुत खुश है। तो जैसे मैं बोल रही थी कि आपका कौन सा फेवरेट कार्टून है ज़रूर बताइएगा। आजकल तो इतने सारे कार्टून्स हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स आ गए हैं कि मतलब मुझे भी नहीं पता। अब मेरी बेटी देखती है कभी कभी तो मुझे पता चलता है, अदरवाइज़ तो मतलब हमारे टाइम में तो बहुत लिमिटेड ही हुआ करते थे। और कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स, और ये डोरा बनी है, इसको बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स और बहुत सारे गिफ्ट कार्ड्स भी मिले हैं, तो वो मैंने सब संभाल के इसके लिए रख दिए हैं, जिससे कि फ्यूचर में वो एज अ मेमोरी वो फ्यूचर में जब भी देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा। एंड दिस इज़ अ सैलॉन चेयर एज अ गिफ्ट, और उसे लगा ये चेयर उसके लिए है, एंड शी वॉज सो रेडी टू सिट ऑन इट, लेकिन बाद में शी रियलाइज कि वो उसके लिए नहीं है, इट इज़ फॉर हर डॉल्स। तो वो एक सैलॉन चेयर है जिसपे वो अपनी डॉल्स को बैठा सकती है एंड उनके बाल वगैरह कर सकती है। तो बस अब भगवान ही बचा है उसकी डॉल्स के बालों को। और जितनी वो खुश है अपने इतने सारे टॉयज को देखकर, इतने सारे गिफ्ट्स को देखकर, उतनी ही मैं डरी हुई हूँ, क्योंकि बच्चों को तो बस उनको तो खेल मिल गया, लेकिन माँ की हालत ख़राब हो जाती है, पूरा घर बच्चे ऐसे ही कर देते हैं। पर यहाँ उसे एक छोटा सा बर्ड मिला है, आई थिंक दिस इज़ अ पैरट, और उसके साथ वो इतनी खुश है, मतलब उसको आरवी को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, जब हमें गिफ्ट्स मिलते थे, टॉयज़ मिलते थे, हमें कितनी खुशी हुआ करती थी। और ये ओ माय गॉड, दिस इज़ प्लेडो गेम, आई रिमेम्बर ये वो उसे लास्ट टाइम भी चाहिए था। और प्लेडो मेरे घर में बहुत बार आ चुकी है, अगर आपको पता होगा आपके घर में बच्चे हैं तो, ये डो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है, मतलब मुझे पसंद नहीं है, जगह जगह ये लोग चिपका देते हैं। और एक बार तो मैंने उस पर खुद, मतलब जब चिपक जाती है तो वो छुटानी भी मुश्किल हो जाती है। और यहाँ ये एक कीबोर्ड मिल गया उसे, और उसके पापा ने उसे पियानो गिफ्ट किया था, तो उसके पास अब दो दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ऑलमोस्ट सेम है, ये कीबोर्ड है, पियानो में भी कीबोर्ड है, तो बट एनीवेज शी इज़ हैप्पी। और पूरे घर में वो ऐसे ही अपने रैपर फेंकती रहेगी, और मुझे ही सारा साफ करना है ये। ओके, सो दिस इज़ अ लैपटॉप दैट शी गॉट, मेरे हस्बैंड उसे अभी दिलाना चाह रहे थे, बट शी गॉट इट एज अ गिफ्ट, तो ये अच्छी बात है। वो हमारे लैपटॉप पे चढ़ी रहती है अदरवाइज, और मुझे डर रहता है कि कहीं ये मतलब तोड़ ना दे, तब उसे अपना ही लैपटॉप मिल गया, अच्छी बात है इसमें। और कुछ ये काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर मतलब आप अल्फाबेट्स भी सीख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स भी, तो विच इज़ गुड। तो वो बता भी रही थी हमें यहाँ पे ये कौन सा लेटर है, तो उसे अभी कैपिटल लेटर्स में ABCD आता है, उसे स्मॉल लेटर्स में मुझे सिखाना है, अभी उसने लिखना शुरू नहीं किया है, तो we'll start that। और ये एक और गिफ्ट, एंड आई थिंक दिस इज कैश रजिस्टर, तो इसमें आप काउंटिंग वगैरह भी सीख सकते हैं, तो अच्छा है ये टॉय, इट्स नाइस। ये सारे टॉयज मैं उसे इकट्ठे नहीं दूंगी, एक एक करके दूंगी, मतलब एकदम से सब कुछ दे दो बच्चों को तो कोई फ़ायदा नहीं होता, और वो लोग थोड़े बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, मैंने देखा है बच्चों के साथ में, कि पहले उन्हें चाहिए और देन थोड़ी देर में खेल के फिर उस चीज़ को टच भी नहीं करेंगे। आप ज़रूर बताइएगा आपकी इसमें क्या राय है अगर आपके घर में बच्चे हैं तो। और ये उसे एक टच एंड लर्न एक्टिविटी डेस्क मिला है, इट इज़ ऑल्सो नाइस, अ गुड वे टू लर्न। तो ये एक टेबल है एंड विद लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन इट, और उसके साथ में एक स्टूल भी है वेर यू कैन सिट एंड डू योर वर्क, तो इट्स अ गुड थिंग, आई मीन शी इट विल हेल्प her to learn new things। इस तरह के लर्निंग टॉयज मुझे बहुत पसंद आते हैं, आई थिंक बच्चों के साथ में, बट आपको भी उतना ही साथ देना होता है। जैसे कि एक बोर्ड है, इसमें आप लिखना सीख सकते हैं, तो अब आरवी की मेरे को राइटिंग स्किल्स डेवलप करानी है, शी इज़ डूइंग पेंटिंग, लेकिन लिखना उसने अभी शुरू नहीं किया है। कलर्स वो बता देती है, शेप्स भी बताती है, देयर इज़ लॉट अभी उसको लर्न करना है, लिखना सीखना है।
तो बस ये रहे इतने सारे टॉयज़ उसके. मुझे डर लग रहा है मैं कैसे मैनेज करूँगी, कहाँ रखूँगी. पुराने टॉयज़ मुझे कुछ हटाने पड़ेंगे और नए टॉयज़ भी एक एक करके दूँगी मैं, जैसे हर मंथ एक दे दिया या फिर देखते हैं कैसे चलता है. और साथ में मुझे अब घर भी मैनेज करना है, सब कुछ ख़त्म, फेस्टिवल्स वगैरह, बर्थडे भी ख़त्म है अब. तो मैं सोच रही हूँ अब घर मैनेज करना शुरू करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं नई एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोज़ डालूँगी. Is it your birthday, RV? Yeah, my birthday. So how old are you? One. Two. Three. You're 3 years old. You are big. And you like your gifts? Huh? You like your toys? Yeah. Okay, show me your face. Oh, will you share your toys with mommy? Yeah. Thank you, RV. Will you play with daddy? Yeah. And mommy? Yeah. Okay, and you'll be a good girl? Yeah. And will you make mommy proud? Yeah. And will you drink milk? No. Don't take milk. No milk? No, I did it. You had it in morning? Morning. Yes. Okay. Yes, okay. Go start. Okay, now say thank you. Thank you, Papa. Mommy and all who gave you these gifts. Yeah. You said thank you to everyone? Yes. Okay. Thank you, Papa. You're welcome, Babu. And this is my cool ABCD. It's called mine. Yeah, now you're going to learn ABCD. Laptop. Yeah, there's a laptop. It's here. Oh, there. Yeah, it's there. It's that. Are you happy? Yes. Happy birthday. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही. मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अगली वीडियोस में. तब तक प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नया चैनल है और इसको आपका सपोर्ट चाहिए. आप ऑलरेडी बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं, थैंक यू. एंड नोटिफिकेशन बेल पर हिट करना ना भूलें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू. आई जस्ट लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. एंड मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय.